हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें से तीनों सीटों में से कांग्रेस ने दो सीटों पर जीत का परचम लहराया है। इसे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, तीन सीटों पर अभी जो परिणाम आ रहे हैं, जीत कांग्रेस को आप देख रहे हैं, दो सीटों पर अभी हासिल हुई है, किस तरह से आप इन तीन चुनावों को देखते हैं? ये तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में थे और एकदम से चुनाव हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि जनता ने खरीदो फरोख्त की राजनीति को सबक सिखाया है। जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को जिस प्रकार गिराने की कोशिश की गई और वो भी नोटों के दम से, जनता ने इस चीज़ को गलत माना और तीन में से अभी दो सीटें हम जीत चुके, एक पर काउंटिंग अभी अंतिम जारी है। लेकिन भाजपा जो है वो लगातार आरोप लगा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर जो है वो कह रहे हैं कि झूठ की गारंटियां दी गई, मुख्यमंत्री झूठ बोलते। सर, किस तरह की बयानबाजी है और अब जनता ने क्या जवाब दे दिया है भाजपा? आप पत्रकार बंधु है, जनता को तो बीजेपी वाले ठग रहे। कहा 4 जून को दो सरकारें बनेंगी, कहाँ दो सरकारें बनी, फिर बोला इन तीन उपचुनावों में हम जीतेंगे, कहाँ जीते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खरीदो फरोख्त की राजनीति को सबक सिखाया और लोकतंत्र को नई दिशा और दशा हिमाचल प्रदेश की जनता ने दी है। हमारी सरकार 40 थी, हमको 40 पर पहुंचा दिया। लेकिन जो देहरा विधानसभा सीट है उसको लेकर बड़ा ये चल रहा था कि कांग्रेस के पास वो सीट कभी नहीं गई और बड़े लंबे अरसे तक जो है वो आपने भी वहाँ पर बहुत कुछ किया है। इस चुनाव प्रचार के दौरान आपने क्या चीज़ वहाँ पर ऐसी देखी, जनता का झुकाव आपने किस तरह से देखा, क्या ऐसी वजह रही जो कांग्रेस को वहाँ पर जीत? देखिए, 25 साल बाद हमने देहरा की सीट को जीता और 25 साल बाद हमने देहरा की सत्ता को जीता इस उद्देश्य से कि 25 साल से लोग वहाँ बीजेपी को जिताते आ रहे थे या आजाद प्रत्याशी को जिताते आ रहे थे। आज देहरा की जनता ने यह संदेश दिया कि खरीदो फरोख्त की राजनीति को देहरा की जनता ने भी पसंद नहीं किया और इसलिए उन्होंने कांग्रेस को जिताया कि कांग्रेस की सरकार 18 महीने में अच्छा काम कर रही है, लोगों के हित के काम कर रही है। लेकिन जो सियासी संकट की बात की जा रही थी कि मुख्यमंत्री जो है उनकी कुर्सी खतरे में है, ये इस तरह की बातें भाजपा जो है वो लगातार ये कर रही थी, जनता के बीच में जाके जो है बात कर रहे थे। अब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, हिमाचल प्रदेश में आपका कद बड़ा है, किस तरह से आप इस देखिए, जब सत्ता में होता है उस कुर्सी को बचाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कुर्सी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आप जनता के वोट से जीत कर नहीं आ रहे, आप पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी को त्याना चाह रहे, उसका जवाब हिमाचल की जनता ने। इसके साथ ही क्योंकि अभी जो हाल ही में जो 6 उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस को बड़े स्तर पर 4 सीटों पर जो है वो आपको कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली, इन 6 उपचुनावों के साथ अब भाजपा तो है वो लगातार ये कह रही है कि सरकार बदलने वाली है, कांग्रेस जो है वो जा रही है, ये क्या, इस चीज़ का आधार क्या है? देखिए, अब हमारे 3.5 साल है, अब हम जनता के हित में फैसला करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जिस तरह से उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, पिछले कुछ समय से जो है वो 9 सीटों के ऊपर उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से अब अगर आंकड़े को देखें तो अब 6 सीटों पर जो है वो मुख्यमंत्री और कांग्रेस को जो है वहाँ पर जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में अब सियासी घटनाक्रम आगे किस ओर जो है वो मुड़ता है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।